सो दोस्तों ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो बेचारे रिटेलर्स होते हैं, छोटे मोटे व्यापारी लोग होते हैं ना, छोटे व्यापारी लोग, उनको प्रॉब्लम होती है। किस चीज में प्रॉब्लम होती है उनको? बिल, कंप्यूटराइज बिल जो उसके कस्टमर मांगते हैं ना, उनको बिल चाहिए होता है कंप्यूटराइज, पूरा कंप्यूटराइज बिल चाहिए होता है। तो वो उनको वो बिल कहाँ से ला करके देते हैं? ना तो उनके पास कोई सेटअप होता है, ना कोई अकाउंटेंट होता है। तो बट ऐसे में वो लोग क्या करेंगे बेचारे? ऐसे में भाई उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा एप्लीकेशन है जो कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो गाइस अगर आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से एक चुटकी के अंदर मतलब क्या, आपको सिर्फ करना है कि आपकी जो भी आइटम है, आइटम को आपको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपको अमाउंट डालना है, उसके बाद एक क्लिक जैसे ही करोगे आपका जितना भी टोटल बिल है, अगर आपका कोई कस्टमर दूर बैठा हुआ है और आपको आपसे वो चीज परचेस करना चाहता है, बट आपको बिल उनको सेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप कॉपी पेन ले लोगे, स्पेक कर दोगे, ये तो नॉर्मलाइज होगा, बट उसको चाहिए कंप्यूटराइज बिल। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको उसमें आइटम लिस्ट करनी है, ठीक है, उसके अंदर अमाउंट डालना है, उसके बाद आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है उसके अंदर। ऑटोमेटिकली कस्टमर के कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप पे या SMS के जरिए उसका बिल उसके पास पहुंच जाएगा। गाइस बिल्कुल ये बहुत ही ईजी होने वाला है यार, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल गोडाउन। तो दोस्तों एप्लीकेशन जिस तरीके से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी लैंग्वेज में आप यूज़ करना चाहते हो उस लैंग्वेज के अंदर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में करना चाहो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहो इंग्लिश में कर सकते हो। यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई स्टेप बाई स्टेप देखना, एक एक स्टेप देखना ध्यान से, नहीं तो आप मिस कर दोगे, नहीं सीख पाओगे किस तरीके से इसको यूज़ करना है। एंड गाइस इसके अंदर सेकेंड आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद एक OTP आएगा, वो हमें सबमिट यहाँ पर कर देना है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अभी एक OTP आएगा, OTP इसके अंदर हम डाल देंगे। तो OTP मैंने इसके अंदर डाल दिया, जैसे ही इसके अंदर OTP मैंने डाला तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है लॉग इन हो चुका हूँ। एक्चुअली मैंने इसको पहले भी यूज़ किया था, तो इसलिए मैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर कंटिन्यू लॉग इन हो चुका हूँ। सो आपको इसके अंदर करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपका नाम, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम, आपकी शॉप का नाम जो भी हो इसके अंदर आप एंटर करके डाल देना। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग ये आपकी यहीं से होगी, आपको अपनी कंपनी का नाम आपको इसमें डाल देना है। ये सारे काम जैसे ही आप इसके अंदर कर लोगे तो आपको सिंपली करना क्या है, आपके जो भी कस्टमर है उनका आपको बिल बनाना है। तो आपको सिंपली नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि बिल इनवॉइस का, सो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आ जाएगा। और अगर आपको जानना चाहते हो कि मतलब किस तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर जानना चाहते हो तो उस पर एक वीडियो का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो किस तरीके से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये खुद एक एप्लीकेशन की तरफ से खुद का इनका वीडियो है। सो गाइस इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक लिखा हुआ ऐड पार्टी, ऐड पार्टी पे हम क्लिक कर देंगे। ऐड पार्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट का आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको परमिशन दे देनी है। तो परमिशन देने के बाद जो भी आपका कस्टमर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास उनका होना चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि जो बिल की रिसीविंग है, जो मैसेज है, वो सीधा आपके कस्टमर के मैसेज पर SMS के जरिए पहुंच जाएगा। अगर आपका कस्टमर आपसे ऑनलाइन कोई डिलीवर करवाता है घर पे बैठ के, तो उसका भी बिल आपके कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, आपको जाने की ज़रूरत ही ना उसको आने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर मैं अपने पार्टी का एक यहाँ पर नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको डाल देनी आइटम, ऐड आइटम पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड आइटम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर निकलने को देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो जो आइटम आपके पास है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आपने पहले किसी को परचेस करी है, मतलब परचेस के किसी को सेल करी है, तो वो आइटम भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बट अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी। सो गाइस यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना है। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ तीन डॉट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करके ऐड आइटम करना है, ठीक है। तो गाइस आइटम का नाम यहाँ पर आप डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो आप चाहो,
वो इसके अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पर एक आइटम का मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ एयरफोन, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया आइटम का नाम। सेल्स प्राइस इसका क्या रहेगा, सेल्स प्राइस यहाँ पर मैं 200 रुपीज़ डाल देता हूँ, ओके। एंड नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अगर जीएसटी टैक्स अगर लगाते हो इसके अंदर तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जीएसटी टैक्स रेट कितना डालना चाहते हो, कितना परसेंट पे, ठीक है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आइटम की पिक लगाना, मतलब फ़ोटो लगाना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये सबसे पहले आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी पड़ेगी, परमिशन देने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी एयरफोन की अगर देखना चाहते हो, मतलब कोई भी आइटम सेल करना चाहते हो, उसकी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके लगा सकते हो। एंड यहाँ पर जैसे कि हमने विदाउट टैक्स का एक प्राइस डाल दिया 200 रुपीज़, यहाँ पर हम कर देंगे इसको सेव, ठीक है, यहाँ हमने कर दिया इसको सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड का ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, इसी ना इसी पे आपको क्लिक करना है, जो आइटम आपने सेल किए इसी पे आपको क्लिक करना है एक बार, और आपको क्वांटिटी एक बार इसके अंदर मेंशन कर देने कि कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 क्वांटिटी मैंने कर दी, ठीक है। 2 क्वांटिटी करने के बाद यहाँ पर इसकी जो रेट है वो बढ़ चुके हैं, 400 हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, इसे एक में लिखा हुआ क्रिएट का, एक में लिखा हुआ ऐड डिटेल। ऐड डिटेल में जाकर के आप इसको एडिट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, आइटम और ऐड कर सकते हो, कुछ भी मतलब एडिट करके आप इसके अंदर कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर सीधा आपको लिखना है कंटिन्यू डिस्चार्ज कर देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के बाद आपने जो एयरफोन का जो आपने बिल क्रिएट किया था उस पर आपको वापस जाना पड़ेगा, ठीक है, वापस चले, वापस जाने के बाद आपको इस पर सिंपली कर देना क्रिएट, ठीक है। क्रिएट जैसे ही करोगे भाई, यहाँ पर आपका बिल जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तैयार होने के लिए कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा आपको, वेट करने के लिए आपका जो बिल इस आपका जो बनेगा क्रिएट होगा, क्रिएट होने के लिए कुछ टाइम लेता है। क्रिएट होने के साथ ही आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सो जिसने ये बिल क्रिएट किया उसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको टॉप पर दिख जाएगी, और जिसके लिए किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको सारे दिख जाएगी। और यहाँ पर आपके पास एक SMS भी आ जाए, जैसे कि मेरे पास ये SMS आ चुका है इसका, थैंक यू फॉर परचेसिंग का, वो मैं आपको SMS भी दिखा देता हूँ। सो गाइस ये जो SMS है मेरे पास आ चुका है, यानी कि मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला था पार्टी के नाम पे, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा सब कुछ प्लस करके, और नीचे एक लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही सीधा जा करके ब्राउजर में खुल जाएगा, और जो आपका बिल है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस कुछ ही सेकंड का ये वेट करेगा ब्राउजिंग के अंदर, और फिर जा करके आपका जो बिल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने है, ठीक है, ये आप देख सकते हो भाई लाइव आपके सामने ये जो बिल है आपका ब्राउजर पे जाके आ चुका है। और जो कस्टमर जिन्होंने सेल किया है, जिन्होंने मतलब ये बिल भेजा है, उन्होंने आपका इस उनकी डिटेल पूरी आपको नज़र आ जाएगी इसके अंदर, उनका सिग्नेचर भी नज़र आ जाएगा। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड PDF, ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये सीधा आपका PDF फाइल के अंदर डाउनलोड भी हो जाएगा। सो गाइस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके अंदर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत ही ईजी। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सबसे पहले हमारे बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और भी दोस्तों को, और ताकि उनकी भी मतलब हेल्प हो सके, जितने भी डिटेलर उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सपोर्ट करते रहना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।